इंजीनियरिंग फील्ड। तो आज मैं जो वेजिटेबल के बारे में आपसे साथ शेयर करूँगा वो है एक समर का और एक वेजिटेबल जिसका नाम है लेडीज फिंगर, जिसको हिंदी में भिंडी कहते हैं और बंगला में जिसको ढेरस कहते हैं। तो आज मैं भिंडी के ऊपर एक वीडियो करता हूँ जो आपके हेल्प में आए। तो पहली बात है भिंडी का सीट। तो मैं इस सीट को 24 आवर के लिए एक फंगसाइड के भीतर भिगो के रखा था। तो देखिए यह है भिंडी का जो सीड है, और देखिए 24 आवर में ही इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया पानी के भीतर ही। ये देखिए इसका जर्मिनेशन 24 आवर पानी में ही स्टार्ट हो गया। तो देख सकते हैं आपका ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। तो आप इजीली कह सकते हैं इसका जो जर्मिनेशन रेट है वो कितने अच्छा होता है और इसका जो ग्रोथ होता है कैसे कितना अच्छा होता है। तो ये पानी के फंगसाइड में ही इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको मिट्टी में दूंगा और सीडलिंग ट्रे में बैठाऊँगा। तो इसके लिए मैं सीडलिंग ट्रे भी ले चुका हूँ। ये देखिए इसका जो भिंडी में बैठाऊँगा उसका सीडलिंग ट्रे, और इसका जो मिट्टी का जो रेशियो होगा जो जर्मिनेशन अच्छे हो इसके लिए मैं जो मैं मिट्टी लिया हूँ वो बालू मिट्टी है। देखिए पूरा बालू मिट्टी है और थोड़ी बहुत इसमें कंपोस्ट दे चुका हूँ, लेकिन आप जर्मिनेशन के लिए ज़्यादा कंपोस्ट देंगे तो आपका जो जर्मिनेशन वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका जो जर्मिनेशन है वो ख़राब भी हो सकता है और जो सीड है ख़राब भी हो सकता है और प्लांट भी मर सकता है। क्योंकि आप देख चुका है जो प्लांट ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया हूँ मैं सीडिंग के जो मिक्स है उसमें, उसके बाद क्या होता है थोड़े बहुत जर्मिनेशन भी होता है, थोड़े बहुत प्लांट बड़े भी होता है, और 2-3-4 दिन के बाद उसका प्लांट का जो नीचे से हिस्सा है वो गल के फिर प्लांट गिर के सूख के मर जाता है। इसका मेन जो कारण होता है वो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने के कारण और ज़्यादा पानी देने के कारण। तो आपको ये ख्याल रखना होगा। तो मैं इसमें बालू मिक्स किया हूँ 50%, और इसमें मिट्टी भी मिक्स किया हूँ 50%, और 20% में यूज़ करूँगा कोकोपीट। कोकोपीट देने का मेन जो कारण होता है वो है इसमें जो नमी वो बरकरार रखे, क्योंकि समर आ चुका है और अब बार बार आपको देखना होगा कि इसको जो मिट्टी है उसके सूखता है क्या सूख गया है इसके ऊपर। तो जो काम करता है जो एक बार पानी देता है दिन में उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है जो नर्सरी में होता है वो रुद्राक्ष ख्याल रखता है कि उसका जो मिट्टी है वो सूख गया है क्या, उसका सीडलिंग का जो मिट्टी है वो गया है कि नहीं गया है। लेकिन जो मैं घर में जो गार्डनिंग करता है जो कंटेनर में गार्डनिंग करता है जो शौक के लिए गार्डनिंग करता है उसके को देखने के लिए जो वक्त चाहिए जो टाइम चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके लिए इसमें आप कोकोपीट का थोड़े बहुत ऐड कर देंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा कि आपका जो मिट्टी है वो बहुत टाइम तक नमी बरकरार रखेगा। कोकोपीट भी ऐड कर चुका हूँ, 20% कोकोपीट में ऐड कर दिया हूँ इसमें, और मैं आप इसको सीडिंग ट्रे में भरूँगा। तो चलिए धीरे धीरे मैं सीडिंग ट्रे में इस मिट्टी को भर देता हूँ। तो चलिए फिर मेरा जो सॉइल है मैं सीडलिंग ट्रे में भर चुका हूँ। अब मैं इसको सीड बैठाऊँगा। तो सीड बैठाने का जो पहला जो नियम है वो कोई नियम नहीं है, आपको लेके एक एक सीड एक एक पॉकेट में बैठाना होगा। तो बैठाने के बाद आपको पानी ऐसे देना होगा जैसे आपको जो सॉइल है वो उसमें नमी बरकरार रहे लेकिन ज़्यादा वेट नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादा वेट रहेगा तो आपका जो सीड है वो गल के ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए मेरा जो सीड है आप देख सकते हैं ये जो है देखिए जर्मिनेशन स्टार्ट भी हो चुका है। तो आपको बैठाना होगा ऐसे एक करके, आपको जो सीड निकला है वो है उसका जो रूट है वो तो आपको नीचे करके वो देना होगा, जो रूट है वो इजीली नीचे चला जाए, क्योंकि आपको सीड बैठाने में भी उसका जर्मिनेशन रेट निर्भर करता है, क्योंकि इसका जो जर्मिनेशन स्टार्ट भी हो चुका है। इसके लिए ये
इंडिकेट कर रहा है, इसका जो रूट है वो बैठेगा तो आपको जर्मिनेशन होगा, लेकिन उसका दिक्कत भी होता है, प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो पाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको ऐसे करने से क्या होगा, कुछ ठीक सा जर्मिनेशन भी होता है और वो नीचे से घूम घूम कर उठता है वो जो प्लांट है। तो मैं पूरा सीट बैठने के बाद आपके पास आता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मेरा जो सीट है वो मैं पूरा बैठा चुका हूँ और एक एक बैठा चुका हूँ मैं। अब मैं उसके ऊपर थोड़े बहुत करके हाफ इंची करके जो मिक्स में तैयार किया हूँ उसका एक लेयर दे देता हूँ। और आपको क्या रखना होगा, जो कोई बड़ा कोई टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा का मिट्टी का टुकड़ा सीट के ऊपर ना चले आए, तो सीट के जर्मिनेशन प्रॉब्लम होता है। तो ये जो टुकड़ा है इसको हटा दीजिए, ऊपर थोड़ी बहुत पानी स्प्रे कर देता हूँ। और आपको ख्याल रखना होगा, ज़्यादा वेट पानी नहीं देना होगा, आपको जस्ट ऐसा पानी देना होगा जिससे जो मिट्टी है उसमें नमी बरकरार रहे और कुछ नहीं, क्योंकि समर का टाइम है, इस टाइम ज़्यादा पानी देना होता है। और मैं इसके लिए ही कोकोपीट का जो मिक्सर मैं मेरे सॉइल में मिक्स किया हूँ, और आप डायरेक्ट भी कोकोपीट का ही ऊपर भी आप सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो सामर का जो वेजिटेबल होता है इसमें मिट्टी के ऊपर ज़्यादा जर्मिनेशन रेट ज़्यादा होता है और अच्छा भी होता है। इसके लिए मैं ये जो मिट्टी है इसको मैं चूज़ किया हूँ, उसमें कोकोपीट चूज़ किया हूँ। आप तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, इसका जब जर्मिनेशन पूरा हो जाएगा, प्लान निकल जाएगा, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप देख रहे थे ग्रीन एंड पैराडाइज और मैं हूँ रघु। मेरा जो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए बहुत सारा, और शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प कीजिए, आप मेरा फ्रेंड है। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, टाटा। मैं जो भिंडी का सीडलिंग किया था, जो सीड मैं दो दिन पहले बैठाया था, आज मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। देखिए लगभग हर सीड ही जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो गया, देखिए अच्छे से जर्मिनेशन हो रहा है हर सीड ही। देखिए इसको तो पत्ता भी निकालना शुरू हो गया। तो दो दिन बाद मैं अपडेट दे रहा हूँ, इसका जो सीडलिंग ये अच्छे से ग्रो हो रहा है सीड, देखिए। तो आज का अपडेट है, दो दिन के बाद इसका जर्मिनेशन अच्छे से स्टार्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड, 6 दिन के बाद भिंडी का जो अपडेट वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए इसका प्लांट, और नया नया जो प्लांट है वो भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। ये भिंडी मैं जो सीडलिंग किया था उसका जो अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे प्लान बार भी रहा है, बाद में आपको इसका जो प्लांटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है भिंडी, अब अपडेट देख सकते हैं। इसके बाद इसको थोड़े से फर्टिलाइजर का ज़रूरत होगा, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही।